हेलो, तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए गेम प्रीव्यू में। आज हम दोबारा से रैन सिमुलेटर गेम खेलने वाले हैं। तो गाइस पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बकरियों के घर में रैबिट लाए थे, दो या तीन रैबिट थे। और आज अपने को उनके लिए घर भी बनाने का है, रैबिट शेल्टर भी बनाने का है और अपने बकरियों का दूध भी निकालने का है थोड़ा। तो बकरियों की जनसंख्या भी बढ़ गई होगी और पिक का भी कुछ देखना पड़ेगा अपने को। पिक भी बड़े होंगे तो उनको भी मारना पड़ेगा। और अपने ग्रीन हाउस में प्लांट भी आए हैं क्या वो भी देखना पड़ेंगे। और इधर देखो हमने ये लैंप लगवाए हैं, सीलिंग वाले लैंप। और इधर ये पौधे तो सूख गए हैं, ये तो कब से सूख गए हैं, और वो खाली शो के लिए रखे हैं हमने। और इधर की अभी अभी लाइट लगाते थोड़ी, ये बकरियों के घर में और पिग के घर में। और पिग भी बहुत बड़े हो चुके हैं इधर से दिख रहे हैं। अभी ऊपर से कुत्ते और देखते हैं बकरियों का हाल। और बकरियों का खाना पीना तो ठीक है, दिख रहा है मेरे को इधर फीडर में खाना पानी। और ये देखो बकरी का बच्चा और ये अपने रैबिट इधर। और बकरी के बच्चे तो तीन दिख रहे हैं मेरे को, और बकरियाँ भी तीन ही दिख रही है मेरे को। दो बकरे दिख रहे हैं, बकरियाँ तीन। तो अभी आ गए तो इधर से दूध भी निकालते हैं। और सुबह के 9:30 भी बजने आए हैं ना अभी, तो सुबह के टाइम का अभी दूध भी निकालते हैं। पहले घर की लाइट लगाते हैं ये बकरियों के घर की, और ये अभी दूध निकालते हैं। हमने बकरियों का इतना दूध निकाला ना तो एक दूध का कैन भी भर गया, इसलिए हमने दूसरा भी दूध का कैन लाया। अभी वो भी अपने को भरने का है, वो भी अभी 5-6 ऐसे करेंगे दूध के कैन भरेंगे, और उसके बाद में देखेंगे प्राइस कितना मिलता है बकरियों के दूध का। एक तो कैन हमने भरा है 42 लीटर का, तो अभी दूसरा भी भरने का अपने को, और अपने को कैन लाने पड़ेंगे दूध के। तो अभी दूध का कैन भी बराबर रखते हैं विंडो के सामने। और इधर तीन बकरी है ना, तो एक बकरी का तो हमने निकाला, दूसरी बकरी लेते हैं उसका भी दूध निकालते हैं। हमने दूसरी बकरी ली, यही बकरी है क्या? अरे ये तो मेरे को यही लग रही है, अभी मैंने इसका ही दूध निकाला था, अभी दूसरी लेते हैं बकरी। तो तू बकरी इधर आ जा, चल तू भी दूध दे मेरे को जल्दी से। इसका बकरी का दूध निकालते हैं अभी, इसका नहीं निकाला है तो इसका निकालते हैं। और एक रह गई है ना, उसका भी अपने को निकालना पड़ेगा दूध। ऐसे तीन बकरी है और अभी तीन बच्चे भी अपने बकरियों के घर में, वो भी जल्दी से बड़े हो जाएंगे, पर उसमें से क्या निकलेंगे वो अपने को नहीं मालूम। इतना बकरी निकलेगी या बकरा निकलेगा वो भी अपने को बाद में देखना पड़ेगा। और अभी अपने को बकरे को भी ना, बकरे को तो मिट्टी दे सकता है बकरा, दूसरा बकरा तो कुछ दे नहीं सकता। तो इसलिए ज़्यादा बकरे होंगे तो उनको भी मारेंगे और बेचेंगे फिर। अभी तीसरी बकरी का भी दूध निकल रहे हैं हम, बकेट तो हमने नीचे लगाया, अभी धीरे धीरे से दूध निकाल दे। और तू बकरी की इधर इधर आ रहे हैं, मैं दूध निकाल रहा हूँ ना बकरी का, बीच में मत आ। अरे देखो अभी बकरियाँ इधर सब आ गई, मेरे को दूध डालने भी नहीं दे रहे हैं कैन में वो। ये बच्चे भी आ गए अभी दस देख। चलो इधर से हटो हटो भागो, नहीं तो फिर गन चलाऊंगा मैं। अरे बकरी के बच्चों चलो साइड हो जाओ। क्या रे ये मेरे को दूध भी नहीं डालने देते बाहर कैन में। तो अभी ये हो गया इधर का सब, अभी जाते पीक के घर में। और पीक पे देखो कितने हो गए अपने पास पीक, और कितने बड़े बड़े हुए हो गए हैं। ये डोर खोलेंगे तो इधर से बकरियाँ उधर जाएंगी, पर उधर के पीक नहीं इधर आ सकते कि वो डोर से आ नहीं सकते, इतने बड़े हो गए अपने पीक, गोलू गोलू पीक। अभी जाते हैं पीक के घर में, और इधर पोटी बिटी तो नहीं है इनकी, नहीं तो फिर वो कलेक्ट करते थे हम। अभी अपने को पीक को मारना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े हो गए और अपने पैसे भी मिलेंगे ना ज़्यादा, तो इनको मारेंगे तो। और इनके बच्चे भी देखो कितने हो गए हैं, तो अभी बहुत संख्या अपनी बढ़ेगी पिक की तो। और पिक ज़्यादा बहुत हो गए तो इसलिए अभी बड़े पिक को मारते हैं, तब तक ये छोटे पिक है ना उनको बड़ा होने देते। अभी इनका पैसा भी अपने को बहुत मिलेगा, कुछ ना कुछ ले सकते हैं। खाने पीने का बंदोबस्त तो इनका ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने फीडर और विड मिल तो लगा ही है। स्किन भी करते फटाफट से, और कूलर में डालेंगे, कूलर तो अपने को बहुत लगेंगे इसके लिए। तो अपने पास खाली 6 ही है ना कूलर। और ये देखो अभी से ऊपर चढ़ना चालू हो गए, इसलिए हमने स्किप किया। और ये देखो खून लगाया अपने घर के, पिक के घर है ना, इधर खून भी लगा है तो गंदा हो गया अपना पिक का घर। और ये पिक भी इधर अटक गया है, तो ये पॉर्क साइड में अटाते और इसको निकालते। और अभी अपने को पॉर्क भी भरना पड़ेगा, पॉर्क अभी नहीं भरेंगे, बाद में भरते पार्क। पहले जाते हैं अपने प्लांट लगाए ना उधर जाते हैं। और इधर देखो ऊपर से बारिश भी गिर रही है, अपने को प्लांट को ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो आ गए हम उन प्लांट के पास, और प्लांट को आपने गाइस कमेंट में बताया नहीं कि ग्रीन हाउस बनाओ ये प्लांट के लिए कि ऐसे ही रहने दो, आपने बताया नहीं तो जल्दी से बताओ। और गाइस लाइक और सब्सक्राइब नहीं हो रहा है क्या, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो गाइस, और नीचे रेड बटन रहेगा वो भी फटाफट से दबा दो। और ये देखो इधर कितने पम्पकिन आ गए, कितने तरबूज आ गए, और ये पम्पकिन और तरबूज को रखने के लिए देखो हमने इधर स्टोरेज भी बनाया है। चलो अभी इधर रखते हैं स्टोरेज पर पम्पकिन को और तरबूज को, क्योंकि इसको हम कूलर में डाल नहीं सकते तरबूज को और पम्पकिन को, इसलिए हमने इधर स्टोरेज बनाया है इधर रखने के लिए। और ये दिख रहा है भी अच्छा दिख रहा है, एक साइड में पम्पकिन रखेंगे एक साइड में तरबूज रखेंगे ना तो और अच्छा दिखेगा। और इधर कैबेज भी आ गया है, वैसे पत्ता गोभी भी आ गया है और बेल पेपर भी आ गया है। अभी इनको हार्वेस्ट भी करते हैं, हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो ज़्यादा रखेंगे ना ज़्यादा टाइम तक तो ये फिर सूख जाएंगे, उसके बाद ये है ना फल भी नहीं दे सकते और सब्जी भी नहीं दे सकते, तो इसलिए अपन पहले हार्वेस्ट करते और एक कूलर में डालते। जो अभी ये बेल पेपर हम निकल रहे हैं ना वो भी कूलर में डालते फटाफट से। इधर बेल पेपर तक ही आए हैं, अभी तक ग्रेप्स नहीं आए हैं, तरबूज मिला अपने को, ये पत्ता को भी, और अपने को पम्पकिन ही मिला है अभी तक, हमने टोमेटो तो लगा ही नहीं है। और ग्रेप्स तो बहुत टाइम लगता है ग्रेप्स को आने में, क्यों मालूम नहीं इतना टाइम क्यों लगता है ग्रेप्स में। नेक्स्ट टाइम ना ग्रेप्स तो लगाएंगे पर ज़्यादा नहीं लगाएंगे, कम ही लगाएंगे, क्या एक बार ग्रेप्स ही लगाओ एक बार टोमेटो ही लगाओ ऐसा लगाना पड़ेगा फिर। और ये बेल पेपर में तो बहुत जल्दी ये कूलर भर रहे हैं आपने, ये तो भरे हुए है कूलर, और ये भी क्या है भरा हुआ है लग रहा है मेरे को, क्योंकि आ रहा ही रहा है हार्वेस्ट का नाम। ये भी भरा हुआ है कूलर है, कितने कूलर भरे है आपने इधर, तो एक भी खाली है कि नहीं, हाँ ये खाली है, ये भी खाली है, पर ये इसमें तो फटक से भर जाएगा। और एक ये बेल पेपर का पेड़ है ना ये सूख गया है, और एक इधर अभी दूसरा लगाना पड़ेगा अपने को बेल पेपर का पेड़, तो अभी ये भी कूलर भर गया है। और इधर है क्या और दूसरा कोई कूलर, तो ये भी इसमें तो एक तो भरा हुआ था कूलर, और एक में तो सब सीड के पैकेज है ना, तो अभी हार्वेस्ट ऐसे ही करते हैं हम, जो रह गए ना चार नहीं तीन दिख रहे हैं मेरे को, तो उनका हार्वेस्ट ऐसे ही करते और सब नीचे ही डाल के रखते फल। अभी अपने पास तो कूलर ही नहीं है इसलिए हम सब हार्वेस्ट कर रहे हैं इधर से, और नीचे ही सब डाल के रखते हैं, और एक बार ये सब कूलर लाएंगे और इनमें डालेंगे कूलर में और बेच के आएंगे। तो ओके गाइस अभी जाते हैं अपन साइड में इधर, और साइड में ना इधर अपने गो रैबिट के लिए एक घर बनाने का है, स्मॉल छोटा सा घर बनाते हैं, तो इधर तो आराम के साथ रह पाएंगे रैबिट अपने, इसलिए अभी इनके लिए ब्लूप्रिंट पहले बनाते हैं, तो उसके बाद प्लैंक लगा के घर भी रेडी करते हैं। तो इधर भी लगाते हैं फाउंडेशन, ये इधर तो हमने छः लगाए ना फाउंडेशन, तो ये साइड में भी लगाते हैं और अपना रेडी करते हैं ये घर, नीचे का फाउंडेशन पूरे रेडी करते हैं। चलो हो गए अपने नीचे का फाउंडेशन रेडी, अपने को वॉल लगाने के ना, तो अपने को घर की वॉल नहीं लगाने के, ग्रीन हाउस वाली वॉल लगाने के, कांच वाली, तो कांच वाली अभी वॉल लगाते हैं। अभी इधर से लगाया हमने, अभी इधर से लगाते हैं, चलो इधर से भी लगाते हैं, अभी पीछे के साइड से भी लगाते हैं। ये देखो हमने पीछे के साइड से भी वॉल लगाई, अभी ये साइड की रह गई ना, तो ये भी चलो अभी वॉल लगा के भी अपने रेडी हो गए। और ये उल्टी लग गई है वॉल, तो हम बराबर फिर से लगाते हैं सब डिलीट करके वॉल, अभी ये बराबर लगाई हमने वॉल, तो अभी हमने इस प्रकार ये वॉल लगाई। अभी अपने को डोर फ्रेम लगाना है, तो डोर फ्रेम भी फटाफट से लगाते हैं, उसके बाद अपने को डोर भी लगाना पड़ेगा, तो डोर भी लगाते हैं। चलो ये तो हो गई बाहर के साइड से पूरी वॉल की ब्लूप्रिंट रेडी, अभी अपने को छत के लिए भी करने का है, तो छत के लिए तो रूफ ही लगेगा। और पहले उससे ना अपने को रैबिट भागने नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा एक तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं, अपने घर के इसमें जाते हैं और जो शॉर्ट वॉल है ना ये इधर बीच में लगाते हैं। अब ये शॉर्ट वॉल लगाई हमने बीच में, और इधर इनके लिए रैबिट के सेफ्टी के लिए ना दो डोर लगाते, तो एक डोर से भाग जाएंगे तो दूसरे डोर में तो अटक जाएंगे ना, तो अपन पटाख से पकड़ सकते हैं और फिर से इधर अंदर डाल सकते, इसलिए दो डोर लगाते हैं इधर अपने रैबिट के शेल्टर में। और ये हमने लगाया डोर फ्रेम, अभी पहले ये डोर फ्रेम लगाते हैं और ये डोर भी लगाते हैं, पर डोर फ्रेम ये साइड से लगाएंगे तो वो साइड अलग हो जाएगा, इसलिए अभी डोर भी लगाते हैं। ये हमने डोर भी लगाया, ये अपनी रेडी हो गई है ब्लूप्रिंट नीचे के साइड से।
और ये आपने कौन सा डोर लगाया? अरे आपने को ग्रीन हाउस वाला डोर लगाने का था, डोर फ्रेम और डोर, तो आपने वो सादा घर का बनाया, तो ये फिर से तोड़ना पड़ेगा अपने को। और अभी लगाते हैं ये डोर फ्रेम और डोर भी लगाते हैं कांच वाला ग्रीन हाउस का। चलो ये अभी हमने रेडी कर दिए, अभी अपने को ऊपर के रूफ भी लगाने के हैं, रूफ भी कांच वाले ही लगाते ग्रीन हाउस के लिए, कांच वाला रूफ। ये देखो ये रूफ इधर भी लगाते हैं तीन, और वो साइड भी लगाते हैं तीन। ओके गाइस, तो अभी सब ब्लूप्रिंट लगा के रेडी हो गए, खाली वॉल लगाने का था अपने को। इधर कांच वाले वॉल की ब्लूप्रिंट लगानी थी अपने को, और इधर ट्रायंगल वॉल भी रह गए ना, तो वो भी फटाफट से हमने लगाया। और ये साइड भी पीछे लगाते ट्रायंगल वॉल, इधर भी हम भूल गए थे, तो अपना रेडी हो गया पूरा। और अभी बीच में फिर से हमने तोड़ दिया था, तो वो भी अपने को फिर से लगाना पड़ेगा। इधर बीच में डोर डोर फ्रेम डोर और शॉर्ट वॉल के ऊपर जो छत थी ना, वो लग रही रहती, इसलिए हमने वो बीच में की तोड़ दी थी ब्लूप्रिंट। तो अभी फिर से लगाते हैं ये, और ये शॉर्ट वॉल अभी रह गई है, तो शॉर्ट वॉल भी लगाते हैं, और ये अपने ग्रीन हाउस का रेडी करते हैं ब्लूप्रिंट। और अभी उसके बाद अपने को प्लैंक भी लगाने पड़ेंगे। अभी ये शॉर्ट वॉल भी रह गई है लास्ट वाली, ये भी लगाए हमने, ये साइड से लगाते। चलो हो गया अपना रेडी ब्लूप्रिंट। अभी जाते गाड़ी लेते पहले ये दादाजी की, और दादाजी के गाड़ी में प्लैंक भरते हैं, क्योंकि वो दादाजी के गाड़ी में ज़्यादा प्लैंक बैठते हैं ना, इसलिए। अभी जाते अपने फैक्ट्री के पास, लकड़ियों की फैक्ट्री है ना इधर हमने बनाई है, तो इधर ही सब मशीन वसीन है, और इधर ही हमने रैक बनाई है। इधर ही सारे कल के दिन है ना, हमने ऑफलाइन में बहुत सारे पेड़ काटे और पेड़ के लकड़ियाँ लाई इधर हमने, और उसके प्लैंक बनाए और सब रैक में रखे हमने। तो अभी अपने सब प्लैंक है ना इधर से उठाते हैं रैक में से, और गाड़ी में रखते हैं। ओके गाइस, तो अभी इधर की एक रैक थी ना, वो पूरी खाली हो गई, और उधर के प्लैंक के नाम ने सब गाड़ी में रख दिए। फिर गाड़ी लेके जाते हैं इधर रैबिट का शेल्टर बनाया ना हमें ब्लूप्रिंट, उधर जाते हैं, और इधर पहले नीचे के फाउंडेशन है ना वो कंप्लीट करते हैं, कि वो अपने को फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे, तब उसके बाद हम वॉल को लगा सकते हैं लकड़ियाँ, प्लैंक लगा सकते हैं, लकड़ियाँ नहीं। पहले इसके लिए अपने को फाउंडेशन रेडी करना पड़ेगा, तो फाउंडेशन को अपने को मालूम है ना, छः छः प्लैंक तो लगते हैं, तो ये फटाफट से लगाते हैं। और ये शॉर्ट वॉल को भी जो बचे हैं ना चार, वो भी लगाए हमने प्लैंक। फिर इधर क्या रह गया है, डोर फ्रेम लगाया, और इधर के तीन फाउंडेशन है ना ये भी रेडी करते हैं, ये भी बचे हुए थे ना, वो भी रेडी करने पड़ेंगे अपने को। और अब इधर फाउंडेशन लगाने के बाद अपने को कांच भी लगेगा, तो कांच तो हमने ला के रखा है सब, वो कांच हमने इधर जो हमने प्लांट है ना उधर हमने स्टोरेज बॉक्स बनाया ना उसमें रखे है, सब बॉक्स रखे हैं कांच के, तो वो भी बाद में लाएंगे, और ये भी लगाएंगे। तो ओके गाइस, तो अभी हमने कांच भी लगाया, इधर प्लैंक भी लगाए, और ये देखो अपना ग्रीन हाउस भी रेडी हो गया है। और अभी ना ये रैबिट का खाने का भी बंदोबस्त करते हैं, और पहले इधर ना क्रॉप प्लॉट लगाते हैं, और इसमें हम ना पत्ता को भी लगाएंगे, पत्ता को भी अभी वो खा सकते हैं, क्योंकि गाजर तो अपने पास नहीं है, गाजर की सीड, दूसरा भी कुछ रैबिट खाते हैं ना, हाँ कौन सा ये मूली, गाजर और मूली ज़्यादा उनको लगता है ना अच्छा, तो अपने पास वो दोनों भी सीड नहीं है, गाजर का भी नहीं है और मूली का भी नहीं है, तो इसलिए हम पत्ता को भी लगाएंगे। अभी अपने वैसे ही गाड़ी रिवर्स में लेते हैं, और वो प्लॉट बनाने के लिए अपने को प्लैंक भी लगेंगे, 18 18 प्लैंक लगेंगे, दो प्लॉट है ना, दो क्रॉप प्लॉट है ना, उनके लिए तो 18 प्लैंक लगेंगे, 18 नहीं ज़्यादा लगेंगे, एक को तो 18 लगेंगे ना, तो ये तीन तीन के बंडल लेते हैं हम, छः बंडल लेते हैं, छः बंडल में तो हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे क्रॉप प्लॉट। तो चलो छः बंडल हमने रख दिया, अभी फिर से जाते हैं ग्रीन हाउस पे, ग्रीन हाउस नहीं रैबिट शेल्टर, ग्रीन हाउस क्या बोल रहा हूँ, ग्रीन हाउस जैसा दिख रहा है। तो फटाफट से आप इधर क्रॉप प्लॉट पे ना प्लैंक लगाते हैं, पहले तो हमने छः लगाए थे, तो इसमें कम लगेंगे, इसमें ज़्यादा लगेंगे, इसमें 18 ही लगेंगे। ये फटाफट से रेडी करते हैं क्रॉप प्लॉट, और इसमें अपने को अभी पत्ता को भी लगाना पड़ेगा ना, फिर अपने को एक। और इधर कैसे रह गया, अरे इधर ब्लूप्रिंट कैसे रह गई है, इधर भी हमने अभी प्लैंक लगाए, तो पूरा रेडी हो गया अभी। और इधर से पहले अपन सामान लेते हैं प्लांट का, नहीं, पहले रैबिट लाते हैं, पहले रैबिट पकड़ के लाते हैं और उधर डालते हैं रैबिट शेल्टर पे, और उसके बाद वो प्लांट का देखेंगे खाने का बंदोबस्त। उसके लिए पहले अपने को गाड़ी का नहीं, पहले ऐसे आते के देखते हैं,
में ऐसे ही आते हैं कि देखते ही नहीं, तो फिर अंदर जाना पड़ेगा अपने को, अंदर जाके पकड़ना पड़ेगा रैबिट को। तो ये तो अभी इधर आ नहीं रहे, तो अभी अपने को गाड़ी का ही जुगाड़ करना पड़ेगा। गाड़ी लगाते ही नज़दीक पे, और गाड़ी पे जाएंगे ऊपर चढ़ के और वो साइड में, नहीं तो फिर डोर खोलेंगे तो वो भाग जाएंगे। इतने चालाक और चतुर है ना वो रैबिट, थोड़ा हमने डोर नहीं खोला तो भाग जाएंगे ऐसे। इसलिए इधर से जाते हैं शॉर्टकट से, थोड़ा आइडिया लगाते हैं और अंदर जाते हैं और रैबिट को पकड़ते हैं, फिर डोर से फटाक से बाहर जाते हैं, तो फिर इधर से ही भाग जाएंगे। इससे तो डोर खोल रहे हैं हम, तो फिर भाग नहीं जा रहे। पर जाते समय अपने को अंदर जाते समय उनका ध्यान रखना पड़ता है ना, इसलिए हम गाड़ी से ही जा रहे हैं। तो ये डोर पहले लगाते हैं और इसको अंदर छोड़ते हैं, तो फिर से बाहर जाते हैं और दूसरे को पकड़ के लाते हैं। अभी भी उधर दो बच्चे हैं ना बकरी के घर में, तो वो भी लाना पड़ेगा ना अपने को, दोनों को भी। जल्दी से वैसे ही जाते हैं, इधर गाड़ी पे चढ़ते, थोड़ा इधर से कूदते, अरे बराबर नहीं कूदा, गाड़ी फिर से बराबर लगाते हैं, नज़दीकी लगाते हैं और नज़दीक गाड़ी, ये शॉर्ट वॉल के इधर आसपास लगाते हैं नज़दीकी। और हमने बैठा क्यों है, खड़ा रहने का है अपने को, गाड़ी से निकलते निकलते अपन कैसे बैठते हैं क्या मालूम नहीं। इधर से फिर से कूदते बकरियों के घर में, और एक एक ए भाई साहब इतना ग्लिच, तब बकरियों के में ऊपर ही कूदा था, इसलिए ऊपर मेरा सर निकल रहा था अपने घर में। फिर से अपने दूसरे को पकड़ा हमने, फिर से इसको अंदर डालते हैं अपने शेल्टर में नए वाले उसके घर में। अभी दूसरे को भी हमने इस घर में छोड़ा। अभी फिर से जाते हैं और उधर एक बच्चा है ना, और इधर का हमने डोर लगाया नहीं था, अभी लगा रहे, पहले ही लगाना चाहिए था जो भी लाए थे तभी। तीसरे को तो डायरेक्ट अंदर घुसते, तो किधर भागेगा, भाग के जाएगा किधर, इसको किधर कह रहे, अरे इसका आवाज़ तो आ रहा है। हाँ ये देखो इधर इधर कोने कोने में भाग रहा है, तो इसको भी पकड़ा हमने। और इसको पकड़ने के बाद है ना इतना स्लो भागता है ना ये मेरा कैरेक्टर, बहुत स्लो भागता है, इसलिए ज़्यादा हम उसको लेके दूर भी नहीं जा सकते। तो जब दूर जाएगा तो अपने को बहुत टाइम लगेगा, और अभी पहली बार अपने को ध्यान आया कि बाहर का दरवाज़ा हमने लगाया नहीं डोर, तो इसलिए पहले बाहर का डोर लगाया, फिर से अंदर का डोर लगाया उसके बाद। तो अभी इधर देखते हैं पत्ता गोभी है क्या, अरे पत्ता गोभी का तो अपने पास सीड नहीं है ना, अरे अपने को वो तो लाना पड़ेगा। चलो फिर जाते फटाफट से प्लैंक निकालते हैं और ये दादाजी की गाड़ी लेके जाते हैं जनरल स्टोर में, क्योंकि अपने को उधर से लाना पड़ेगा पत्ता गोभी का सीड। और उसके साथ एक कूलर भी लाएंगे, कि कूलर भी अपने को लेना पड़ेगा ही, सीड ना एक एक रखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो एक कूलर में डायरेक्ट सीड डालेंगे पैकेट वो सीड की, और भर के लेके जाएंगे। और ये क्या है भाई, अरे ये तो गोलमाल वाला स्टन है रे, गोलमाल 2 में क्या 1 में था ऐसा स्टन, वही हमने मारा अभी। अभी आ गए हम जनरल स्टोर के पास, इधर से फटाफट से पत्ता गोभी लेते, इस बार है ना ये पत्ता गोभी का है ना पैकेट सीड का बहुत लेंगे, क्योंकि है ना क्या मालूम है, एक बार हमने पत्ता गोभी निकाला ना तो पेड़ है ना बहुत सूख जाता है, और दूसरा फिर लगाना पड़ता है। एक ही बार में एक ही पत्ता गोभी निकल सकते हैं पेड़ से, और उसके बाद में अपने को फिर से लगाना पड़ता है पेड़, इसलिए हम 5 पैकेट लेते हैं और एक कूलर भी लेते हैं। ये पत्ता गोभी का सीड के पैकेट 5 लिए हमने, अपने को उधर भी लगाने पड़ेंगे अपने ग्रीन हाउस में प्लांट में, और ये रैबिट के इधर भी लगाने पड़ेंगे। रैबिट का तो खाना ही वही है पत्ता गोभी और कैरेट और मूली, कैरेट और मूली तो नहीं है अपने पास, पत्ता गोभी है तो वही लगाएंगे खाली। हमने सब जनरल स्टोर से लिया, फिर से जा रहे हैं अपने रैंच में, रैंच में जाके है ना पहले उधर ही जाते हैं ग्रीन हाउस पे, ग्रीन हाउस पे लगाएंगे। और इधर स्प्रिंगलर का भी प्रॉब्लम हो गएगा ना, तो स्प्रिंगलर तो है वैसे अपने पास, कि हमने ऑफलाइन में बहुत सारे स्प्रिंगलर लाए थे, तो इधर से 2 स्प्रिंगलर भी उठाते हैं, 2 ही लगेंगे अपने को। और इधर फर्टिलाइज़र भी लेना पड़ेगा अपने को, फर्टिलाइज़र भी लेते हैं, एक फर्टिलाइज़र का एक ही कैन बचा है, फर्टिलाइज़र के भी कैन अपने को लाने पड़ेंगे बहुत सारे। इनको फर्टिलाइज़र भी बहुत लगता है पेड़ को, फर्टिलाइज़र को अंदर लगते हैं, ये कूलर भी अंदर रखते हैं, और बाहर नहीं जा रहे थे, इतना डोर मैंने
चालू रखा था, खुला रखा था, अभी बाहर नहीं गए। बाहर जाके क्या करेंगे, उधर भी अटक ही जाएंगे। चलो हमने फर्टिलाइजर भी डाला, अभी स्प्रिंगलर लेते हैं इधर से। स्प्रिंगलर को एक एक रखते हैं अंदर और फिर से डोर लगाते हैं, नहीं तो फिर वो किधर जाएंगे भाग भाग के, तो ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकते, अपने घर में ही तो रहेंगे, अटक जाएंगे। अभी इधर स्प्रिंगलर से पानी भी छोड़ते हैं और ये भी एक स्प्रिंगलर लगाते हैं इधर। और ये देखो, ये तो पहले ही डायरेक्ट पानी के नीचे आने के लिए तरस रहा था और इधर ही जाके बैठ गया। हमने पानी जैसे छोड़ा तो उधर ही वो नहाने लगा, उनको अच्छा लगने लगा है। और इधर ग्रीन हाउस भी इनको अच्छा लग रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अपन पानी जब छोड़ते हैं ना उधर ही जाके बैठते हैं। देखो रैबिट, ये आज से तुम्हारा ही घर है, इधर ही रहने का, आज से आराम से रहने का, कोई टेंशन नहीं, खाना पीना बहुत मिलेगा, पानी भी बहुत मिलेगा, पानी का भी बंदोबस्त किया है रैबिट तुमको। तो इधर जब पानी आएगा स्प्रिंगलर से तो उधर ही नहाने का और इधर से पानी पीने का, टेंशन नहीं लेने का। चलो हम जाते हैं, तुम इधर ही खुशहाल रहना। ओके गाइस, तो अभी देखते हैं अपना नज़ारा, एक अपना रैबिट शेल्टर कैसे दिख रहा है। पर रैबिट शेल्टर से मेरे को एक याद आया, ये मेरे को इधर से बहुत कूदना पड़ता है, तो इधर अपने को एक स्टेयर लगाते हैं अपने लिए, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगाते हैं छोटी सी सीढ़ियों के। तो हमने ब्लूप्रिंट लगाई, अभी प्लैंक भी लगाते हैं, और बाकी के बचे हुए प्लैंक है ना वो गाड़ी में ही रखते हैं, तो अपने को फिर से उधर रखने पड़ेंगे अपने फैक्ट्री में। और ये देखो अपना ये प्राइवेट का शेल्टर कैसे दिख रहा है, ये तो ग्रीन हाउस जैसा ही दिख रहा है, उस नहीं है, ये तो रैबिट का घर है, रैबिट शेल्टर। तो चलो फिर जाते हैं गाइस, तो चलो फिर गाइस आज के लिए इतना ही, अभी फ़िलहाल मैं जाते हैं, बाकी चीज़ों को हम अगले वीडियो में करते हैं। यह एपिसोड कैसे लगा मेरे को कमेंट करके बताना, नए आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही बड़े बड़े गेम आने वाले हैं। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।